मैं बताना चाहता हूँ इस समाज के उन लोगों को जो बोलते हैं कि पत्थरों में पैसा लगवा दिया, मैं बताना चाहता हूँ उन समाज के तमाम असामाजिक तत्वों के, इस प्रकार के लोगों को, उन नेताओं को, उन क्या नाम नालायक लोगों को जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि पत्थर लगा करके पैसा बर्बाद किया गया है। ये हमारा ग्रुप आया है, हम लोगों की आस्था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंदर है। हम सभी ने टिकट लिए हैं, क्या लिए हैं कि नहीं लिए हैं? ये पैसा भारतीय भारत सरकार को, यूपी सरकार को जा रहा है, बताइए ऐसे पैसे की कौन सी बर्बादी है। मैं कह देना चाहता हूँ हजारों हजार करोड़ रुपया मंदिरों मस्जिदों पर बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन आज यहाँ हमारी बहन जी ने मात्र 600 करोड़ रुपया इसमें लगा दिया तो हाहाकार मच गया देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं। और किसी और ने नहीं मचाया, सबसे नालायक हमारे ही लोग, इसी वर्ग के लोग, वही बहन जी पर लांछन लगाने लग गए कि पत्थरों में बर्बाद कर दिया। अरे पत्थर है ये इतिहास की बातें हैं ये सारी। ये देखिए हमारा, ये देखिए हमारा जीवंत इतिहास, ये देखिए कितनी प्रेरणा मिलती है इस इतिहास से, दिखाओ सब जगह पर उन लोगों को। हम लोग इधर भी देखो, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। साथियों, मैं अपनी बात आगे कहते हुए बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की मिस मैनेजमेंट उन लोगों ने की है कि हाथी बनाकर, क्या ये दिखाइए हाथी, ये भोजन पार्टी के निशान है क्या ये हाथी, बताइए आप। प्राचीन काल से इतिहास रहा है कि सूंड उठाकर हाथी स्वागत का निशान है, ये स्वागत कर रहा है हमारा, और लोगों ने इस हद तक बदनामी करवाई है माननीय बहन जी के लिए बोल बोलकर कि पैसा हाथियों में बिगाड़ दिया गया है। हाथियों में बिगड़ना तो जाकर देखिए अक्षरधाम मंदिर को, जाकर देखिए उन हजारों हजारों करोड़ रुपए की समाधियों को, जिनमें हजारों का जमीन, हजारों एकड़ जमीन, गांधी जी की समाधि को देखिए, नेहरू जी की समाधि को देखिए, अरे वहां नहीं बन सकते क्या ये बोलते हैं स्कूल, ये लोग बोलते हैं कि माननीय बहन जी ने यहाँ पर बनाया है, स्कूल बनवा देती, हॉस्पिटल बनवा देती। अरे उनके शासन में तो 70 जिले हैं, 70 के 70 जिलों में हॉस्पिटल बनवाए गए, 70 के 70 जिलों में स्कूल बनवाए गए, बेहतर सड़कें बनवाई गई, किसानों के लिए पैसा दिया गया, और अगर हमने एक छोटा स्मारक अपना बना लिया मात्र 600 करोड़ का, तो उसमें सबके मिर्चे लग गई साथियों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की हम लोगों के लिए है। वो वर्ग जो हजारों सालों से देश के अंदर मजदूरी करता रहा है, वो वर्ग जिसने दूसरों के खेत बोए हैं, वो वर्ग जो खाना खिला रहा है लोगों को, अगर उस वर्ग ने अपनी आस्था के लिए ये अपना इतना प्यारा मंदिर, इतना सुसज्जित मंदिर बना दिया है, जो खुद स्टेट को कमा के दे रहा है, जो खुद लाखों रुपए की आमदनी स्टेट को हर रोज देता है, तो आफत आ गई क्यों? केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव राव जी अम्बेडकर को हम लोगों ने इतनी पत्थर की इतनी बड़ी मूर्ति बना दिया है कि वो हजारों हजारों साल के लिए अमर हो गए हैं। इस प्लेस को कोई तोड़ नहीं सकता साथियों, ये प्लेस हम रहे ना रहे, माननीय बहन जी रहे ना रहे, लेकिन ये प्लेस हजारों हजारों वर्षों तक रहे।